सुंदरगढ़ में वेदांतर गुंडागर्दी विस्फोरण को विरोध करिबारो विस्थापितों पर जुलम आउ अत्याचार सिक्युरिटी लगे मारे माड़ फल चारिज स्थानीय लोक लहुलुहाण होती आंदोलनकारी मुंड फटाई वेदांतर सिक्युरिटी गार्ड सुंदरगढ़ में जामकानी गिरीसीमा मेन्रा झारपलम विस्थापित शीत काक जामकानी खणी भितर 47 दिन होब पर धरी अहोरात्र धारणा बस आंदोलन को दमन पर ब्रिटिश राज आपणई वेदांत हक लड़े लड़ुवा मनीषों पर जुलम आरंभ करके से हटावाप खणी विस्फोरण जारी रही धारणास्थल 200 मीटर दूर से विस्फोरण अघटन आशंका कर आंदोलनकारी प्रथम 21 तारीख में हेमगिरी थाना इतला कंपानी करतृपक्ष सहित तो आलोचना पर पुलिस विस्फोरण होना कड़े विस्थापित भरोसा देता कि आज सका हठात कौन प्राक सतर्क सूचना बिना विस्फोरण करंपानी यापर लोके विरोध कर सिक्युरीटी गार्ड लग माड़ मारी से मुंड फटाई कंपनी करतृपक्ष इने कौन ये कौन वेदांतर पारिपणिया मेक इन ओडिशा कनक्लेव्रे बड़ बड़ कथा कहुवा वेदांत मुखिया अनिल अग्रवाल स्थानीय लोकों को दमन करी कौन शिल्प बसवा को चाहते प्रथमे आंदोलनकारी दाबी कर 2013 नीति लागू ना एक प्रति 50 लक्ष क्षतिपूरण यह सहित थैथान पुनर्वास एवं निजुक्ति तो मिललानी एवं स्वर उठाबारु स्वर दमन पर गुंडाराज चल वेदांत कर्तृपक्ष ब्लास्टिंग करूले से बेले भी करते चापे मना कर बेले पुलिस वाले भी करले आउ करें कहीकि आज हेटा फिर करले बेले हेटा मना कर झगड़ा कर छड़ मान धरी धरी कर कंपनी वाले हमर ने दुई थर तीन थर मना कर ब्लास्टिंग करवा लगे बोले फिर 10 बजे ब्लास्टिंग करला बोले हेटा मना कर गलु बोले हेटा अटैक कर ले हम पुलिस अटैक नहीं करी हम के कंपनी वाले अटैक कर ब्लास्टिंग करी थी ला हटा के मना करूं जे और हम के पीटी मारी करी खेतला छाती के बाजी से गोर के बाजी से हां छाती के गोर के बाजी से हाँ। ब्लास्टिंग करवा लगे हम जे कंपनी जाइए आमे कहन से कमिटी मना कल बोले से ठेगा बाड़ी कहन धरिक छड़ धरिक से मैंने कहन आम सिक्युरिटी इनचार्ज अच्छा से अंकित आनसे से मैंने भी कहन बंदूक पिस्तल धरिक से कहन एटेक कर लगे सबके मार पी से बंदूक भी आनिकी आई हाँ बंदूक भी आनिकी संपर्क अधिक सूचना पाई रही प्रतिनिधि सागर पटनायक सागर ये जो कंपनी रो मनमानी जो कंपनी रो दादागिरी कंपनी माने वेदांतर जो दादागिरी देखा मिली लोक मान लहुलवाणा अर्थात जो मैंने आंदोलनकारी थे पर जो भाव में मरणातक आक्रमण निज सिक्युरिटी गार्ड को लगे कौन पाई कहीं देखो नीलिमा दीर्घ 47 दिन धरी जामकानी जो विस्थापित मान रही आंदोलन करंपानी गोटे गोटे जो स्थान आंदोलन चली स्थान को छाड़ी आखपाखे खणी खोल आरंभ कर दी जहाँ कि जो मैंने आंदोलन करुंचने गोटे प्रकार भावुंजे खणी विस्फोरण कर डरे कि आंदोलनकारी को भगे देवाई अंपटे जिला प्रशासन एवं जिला प्रशासन सहित दि थर तीन थर आलोचना सर किंतु जिला प्रशासन जिलापाल हाथ टेकी देते कंपनी और ग्रामवासी मिसिकी डिसाइड करूँ जे के कंपनसेसन दिजा कथा तो अंपटे जिते व्यापक पुलिस मुतयन रही से पुलिस सम्मुखें सिक्युरिटी गार्ड केमी ग्रामवासी को माड़ मारे ता बड़ प्रश्न सृष्टि करण पुलिस सेठे दीर्घ 47 दिन धरी रही भाव में शांति श्रृंखला सहित आंदोलन जारी रहा आंदोलन में प्रकार हिंसा रिस्थित सृष्टि होना तथापि गोटे हटे दीजापबरदस्त स्थान उठे ने प्रकार चक्रांत चली ग्रामवासी बर्तमान अभोग कर एमती परिस्थिति है जे जो जगह आंदोलन कर मात्र 200 मीटर दूर से विस्फोरण पुणी सिक्युरिटी गार्ड लगे आंदोलनकारी आक्रमण माने या पर बर्तमान पुलिस कौन प्रतिक्रिया पुलिस उपस्थित रे सब घटना घटीगला किंतु पुलिस सुरक्षा देवार अवहेला कला निश्चित भाव ग्रामवासी मैंने जहाँ बारंबार अभियोग कर पुलिस कंपनी फोर रे काम करते जो दिन आंदोलन आरंभ हो किसी खणी सपक्षकारी गुंडा आसिकी ग्रामवासी अटाक करते समय पुलिस नीरव द्रष्टा होसी रही
ସହ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଚାପ ଦେଉଛି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେ ଯୋଉ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ 2013 ପଲିସି ଲାଗୁ ହଉ ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭୁଲ ବାଟରେ ନିଆଯିବ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହିଂସାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହବ ଏ ନେଇକି ବାରମ୍ବାର ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଏଠାରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି ଅହରାତ୍ର ବସିକି ରହିଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 47 ଦିନ ହେଲାଣି ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବି କରିଛନ୍ତି ଲହଲୁଆଣ ହେଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସବୁ ଘଟୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ କୋଟି ନା କୋଟି ଫେଲ ମାରିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଳରୁ ମାତ୍ର 200 ମିଟର ଦୂରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଜାଣିବୁଝି କରାଯାଉଛି ତାହାକି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କ'ଣ ଇଏ ହେଉଛି ବେଦାନ୍ତର ପାରିବା ପଣିଆ କାହିଁକି ଏଭଳି ଜୁଲମ ଯେଉଁଠି ସରକାର ଶିଳ୍ପର ବିକାଶର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଏ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏଥିରୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ ସାଗର।